यह है डीपकूल मैट्रिक्स 55 वर्जन 3 कैबिनेट, और आज हम इस वीडियो में इसका रिव्यू देखने वाले हैं और इसमें देखेंगे आपको कैसे लाइट पैटर्न मिलते हैं, ये कैबिनेट आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये कैबिनेट परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अमेज़ॉन से जाके इजीली बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसके साथ कौन से कंटेंट मिलते हैं, मतलब इसके साथ क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पैकेट मिलेगा, उस पैकेट के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है और बेसिकली यूज़र मैनुअल में लिखा होता है कि आपको कौन से स्क्रू किस जगह लगाने हैं और भी थोड़ी बहुत डिटेल दी गई होती है। उसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड छोटा सा बना हुआ है। उसके साथ आपको एक जिप टाई मिलती है, यानी कि अगर आपको केबल मैनेजमेंट करना है तो आपको एक्स्ट्रा जिप टाई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके साथ ही मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ RGB हेडर के कनेक्टर दिए गए हैं, आप इजीली अपने मदरबोर्ड के साथ इस कैबिनेट में जो 3 एड्रेसेबल RGB फैन मिलते हैं आप इजीली सिंक कर सकते हो मदरबोर्ड के साथ और अपने एड्रेसेबल RGB को, मतलब हर एक LED को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से, मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से। और आपको जो भी इम्पॉर्टेंट स्क्रू होते हैं वो सारे के सारे आपको इस कैबिनेट में मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी कैबिनेट लोगे तो आपको स्क्रू सारे मिल जाते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सामने से आपको दिख ही रहा होगा कि आपको एक स्ट्रिप मिलता है, सामने एक ट्रांसपेरेंट आपको टेम्पर ग्लास देखने मिलता है जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन मैच कैबिनेट भी आता है जैसे कि डीपकूल मैट्रिक्स 55, इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने मिलेगा, उसमें आपको फ्रंट में मैच देखने मिलता है, तो उसमें थोड़ा एयर फ्लो इससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब इससे ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें भी एयर फ्लो बेटर है, आपको साइड में जाली देखने मिलती है, वहाँ से एयर इनटेक करता है ये कैबिनेट। और अभी मैं आपको थोड़ा सा पास कर लेके जाकर दिखाता हूँ, मतलब आपको पास में से लेके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें जो वेंट बना हुआ है, मतलब फ्रेश एयर जो होगी आपकी रूम की वो इंटेक होगी इसके अंदर और उसके बाद सारे कैबिनेट में फ़्लो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर फ्लो के लिए यहाँ पर बनाया गया है इस तरीके से। और उसके बाद SFPS श्राउड देख सकते हैं, आपको एक कटआउट बना हुआ मिलेगा। अगर आपको फुल्ली क्लोज पसंद है तो ये कैबिनेट आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये भी अच्छा होता है, मतलब आपको कटआउट देखने मिल रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से कैसा लुक दिया गया है, आप यहाँ से केबल वगैरह अपना निकाल सकते हैं और इजीली माउंट कर सकते हैं। और पीछे की साइड में जो आपको 120mm का एक फ़ैन लगाने का ऑप्शन दिया गया होता है, उसमें आप RGB फ़ैन अलग से भी लगा सकते हैं, थोड़ा कैबिनेट में लुक और अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर आप फ्रंट में देख ही सकते हैं, इसमें फ्रंट में आप 360mm का रेडिएटर भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, और जैसे कि लिक्विड कूलर वगैरह इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पर आपको 3 एड्रेसेबल RGB फैन मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ड ड्राइव अगर लगाना है, जैसे कि 3.5 इंच का जो हार्ड ड्राइव होता है हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, वो भी आप इजीली इसमें लगा सकते हो, 2 हार्ड ड्राइव इजीली आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी इनफ स्पेस मिलता है, आपको अच्छा खासा पावर सप्लाई इसमें लगा सकते हो, 750 वॉट से भी ऊपर का पावर सप्लाई इजीली लगा सकते हो। और बैक साइड में आप देख सकते हैं कितने सारे केबल दिए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप केबल मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही ईजीली। यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने मिलता है बैक साइड में, तो इसमें कैसा होगा कि अगर आपका ज़्यादा केबल है तो आपका कैबिनेट का जो बैक पैनल होता है उसको बंद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केबल मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाता है। इतना सारा वायर देख के घबराना मत, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यूज़र मैनुअल पढ़ के या फिर आप YouTube वगैरह पे वीडियो देख सकते हैं, वापस आपको कनेक्ट करने के लिए बता दिया जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं जो आपका पावर सप्लाई होगा उसके फ्रेश एयर इंटेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक मैच देखने मिलता है, और वो मैच रिमूवल है, आप निकाल कर डस्ट क्लीन भी कर सकते हो। टॉप के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 240mm का रेडिएटर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पर आप लिक्विड कूलर का जो रेडिएटर होता है इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप 2 फैन लगाना चाहो 120mm का, 2 फैन इजीली लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको एक डस्ट फिल्टर देखने मिलता है जिसे आप रिमूव करके इजीली क्लीन कर सकते हो। इस कैबिनेट के टॉप पर आपको एक पावर बटन देखने मिलता है, और इसी पावर बटन के अंदर आपको हार्ड ड्राइव LED का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब हार्ड ड्राइव LED भी इसी पावर बटन के अंदर फिट की गई है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 3.0, 2.0 के 2 पोर्ट, और यहाँ पर आपको एक हेडफोन, एक माइक
और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड LED का भी बटन दिया गया है। मतलब अगर आपका मदरबोर्ड बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है जिसमें आपको RGB हेडर नहीं मिलता है, तो आप इस LED के बटन को यूज़ करके अपने कलर पैटर्न को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड ड्राइव की LED जो ब्लिंक हो रही है हमारे लाइट में, मतलब हमारे पावर बटन में किस तरीके से आपको दिखेगी। और अगर ये जैसे कि आपका PC स्लीप मोड पे जाता है तो आपका ये जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ब्रीथ करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं LED का जो बटन दिया गया है, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो। मतलब जो भी आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगे उस इफ़ेक्ट को आप सेट कर सकते हो। स्टैटिकली आप एक ही लाइट को भी सेट कर सकते हो, मतलब जो भी कलर आपको पसंद आए। और अगर आपको LED यूज़ नहीं करना है तो आप कंटिन्यू 3 सेकेंड तक होल्ड कीजिए इस बटन को, आपकी LED ऑफ भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इसी तरीके के कंटेंट पसंद है, अगर आपको देखना है और भी PC बिल्ड रिलेटेड कंटेंट, तो हमारे चैनल को एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।